Hello everybody, welcome back to our YouTube channel. Wishes to all the mothers, a very happy Mother's Day to everyone. कुछ ऐसे दो gifts लिए surprises के लिए, तो हम अभी चाह रहे हैं कि पहला हम ये दे और लाइक उनको थोड़ा सस्पेंस में रखे, ऐसा लाइक एक सरप्राइज फील हो थ्रू आउट द डे. तो इसलिए हम पहले ये वाला एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं. और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि कल से होल लॉकडाउन लगने वाला है, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन. तो एज यूजुअल हमारा जो कोकोनट है वो नहीं खुलेगा ख्याल से, तो हम जा रहे हैं अभी फटाफट से लेने को. तो हम जाएंगे नीचे अभी ये देकर, फिर हम निकलेंगे बाहर के लिए. तो चलिए देखते हैं. हेलो, हैप्पी मदर्स डे. तो हम आ गए वापस अभी. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ नाश्ता फटाफट, और कुछ केक बनाने का भी प्लान है, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज. और आज हम लंच में कुछ स्पेशल खाने का सोच रहे हैं, जैसे कि बिरयानी, तो वो भी शायद मैं आपके साथ शेयर करूँ. तो बने रहे हमारे इस वीडियो में. हैप्पी मदर्स टू ऑल. When you open this one? We will open in some time. We will open. I'll tell you. Okay, so it has given flowers already. In the last video, it was not there. Now it has bloomed also. A rose. Nice. So this is the solar fountain which I had kept off. Now we have a current one. So I got this solar one and kept in this pond. So once we clean this pond, we'll place it in a proper way, because half side gets the sun. So only during sun, if it is direct sun is there, it will work like this. Hello Rinsi, what are you doing today? जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, क्या मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने शुरू कर दिया है जो भी इसका प्रोसेस है. यहाँ पे प्याज फ्राई कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे राइस चढ़ा रखा है, बिरयानी राइस. और जैसे कि मेरे इंग्रेडिएंट्स में ये सब डलता है, जैसे कि ये सैफ्रॉन मैंने दूध पे भिगा रखा है, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये पुदीना है. तो बताएंगे आपको आगे चल चल के. मैं ज़्यादा फ्राई करना पसंद नहीं करती हूँ, ज़्यादा ब्राउन होना नहीं पसंद करती हूँ प्याज. तो इतना सा प्याज हो गया है, और कुछ प्याज मैं पीसने के लिए ले रही हूँ इसमें. अब मैं इसे थोड़ा दही दही और ये कुछ टमाटर के साथ पीस दूँ. अब ये जाएगा ये चिकन इसमें. I need your help. So put that ginger garlic paste in this. How much? Try to take 2 tablespoon with that. This is 1? Yes. 2? Yes, that's enough. Okay. Mix it well. तो ये मेरा राइस हो गया है ऑलरेडी. तो मैं इसमें वाटर ड्रेन करने के लिए निकाल दे रही हूँ. ये वाटर ड्रेन हो जाए उसके बाद थोड़ा इसे स्प्रेड करके रख देंगे, जो जैसे कि चावल का एक एक दाना है जैसे बिरयानी में होता है वैसे हमें मिलेगा. इसमें मैंने पहले जो टमाटो ऑनियन जिससे कि मैंने पेस्ट बनाया था उसे डाल के मिक्स किया है. उसके बाद मैंने ये घर में बनाया कुछ बिरयानी मसाला 3-4 टेबल स्पून यूज़ किया है. अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्दी. Oh, eating mangoes. Thank you. I'll reduce the sound a little bit. Malayalam, I'll put and give 1 minute. ये थोड़ा इंस्टेंट केक तैयार हो रहा है. तो मैंने इस ओरियो बिस्किट को पाउडर कर लिया था थोड़े से जैगरी के साथ, हम शुगर नहीं खाते हैं. और अब मैंने इसे थोड़ा सा दूध डाल के मिक्सचर बना लिया है. अब इसमें बस फ्लेवर के लिए मैं ये वेनीला एसेंस डाल रही हूँ. अब इसमें थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा.
ये जो स्टेप है एकदम से लास्ट स्टेप है बिरयानी का, इसे मैं लेयरिंग कर रही हूँ। ये काजू किशमिश, ये थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और अब ये थोड़ा सा कलर, बिरयानी एसेंस है ऐसे बस छिड़क देना है। अब ये जाएगा बिरयानी मसाला जो घर पे बना है, तो इसके ऊपर मैं अभी फ्राइड ऑनियंस डाल रही हूँ। अब ये चिकन जा रहा है इसमें, फिर से लगेगा इसमें राइस। जागरी के दादेंदे मगर गिफ्ट, हैप्पी मदर्स डे, गॉड ब्लेस यू। ब्राउनी दा ट्राई चल, the replacement of our old clock, 10 years old clock, 5 years, 6 years, now this will replace the clock. Now we can see time properly from far, 3-5 hours time we have to set now. So we tried to repair this but nobody is, you know, old one, so they are like we won't get all the parts. So finally we bought this new one. Okay, open. Oh. What is this? See, this is love, you have shown, I gladly bestow you the words, first mother award. First mother award. It's a certificate from my side. Boss. Fun. Very tasty. Na base na. Very nice biryani. So हमने अपना लंच वगैरह खत्म किया। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन एक विश अभी भी बाकी था, वो है मेरी मम्मी के लिए। तो हैप्पी मदर्स डे मम्मी। लाइक मैंने प्लान किया था कि इस बार अंडमान पहुंच सकूं मदर्स डे के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाई। कोई बात नहीं, और बरस बाकी है हमारे हाथ में कि हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर पाए, और होप मेरे भाई बहन सब मिलके कुछ अच्छा ज़रूर प्लान कर रहे होंगे। अगर वो कुछ फोटोज भेज रहे हैं तो मैं अंडमान का फोटो आपको ज़रूर शेयर करूंगी। थैंक यू काफ़ी नहीं है मदर्स के कुर्बानियों के लिए, लेकिन भी कुछ ज्यादा ही मैं स्पेशल मानती हूँ इस मदर्स डे को। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। आई जस्ट लव यू मम्मी, एंड स्पेशल विशेस टू माई बीना आंटी एंड सागरिका मैम, आपने भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है मेरे माँ के किरदार अदा करने में, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने जो सीड्स लगाए थे फ्लावर के, तो वो लगभग से निकलने लगे हैं। तो मैं चाहूंगी डाइस खुद आकर वो आपको दिखाए, प्लीज डाइस कम फॉरवर्ड प्लीज। तो मैं दिखा दूं डाइस क्या कर रहे हैं। ये बहुत लेजी हो चुके हैं खा के और नहीं आना चाह रहे, फिर भी मैं बुला रही हूँ, अगर यही दिखाए तो। Who planted this? कुछ ऐसे ग्रो होने लगा है। So how do you feel? I feel very good. I feel happy. I want to see. It'll grow till here. It will grow till here. Okay, then I will see. Let it grow. You are putting water daily? Yes. Okay. Will you put from tomorrow? Yeah, I'll put. बस आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत एंजॉय किया। चाहती हूँ कि ऐसा मदर्स डे
हर साल आए और हम हर साल ऐसे ही मदर्स डे सेलिब्रेट करें। होप आपको भी पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपने क्या किया इस मदर्स डे में, आपने कैसे सेलिब्रेट किया और आपको हमारा सेलिब्रेशन कैसा लगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम, बाय बाय।